नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदीप नायक। आप देख रहे हैं सुदीप टेक लर्निंग। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर और कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए एडुकेशनल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए ऐप के बारे में दोस्तों, जो है 4G। अक्षय कुमार ने दोस्तों ऑफिशियली अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसका बैनर जो है लॉन्च कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है दोस्तों। और जैसे ही ये आया बहुत ही वायरल हो गया। मतलब पबजी बैन होने के कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा गेम जो कि इंडिया में डेवलप हुआ हुआ गेम होगा, और दोस्तों इसके बहुत सारे खासियत भी है। तो कब लॉन्च होगा इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में। दोस्तों, ये जो ऐप है ये बनाया जाएगा एनकोर गेम्स, जो कि इंडियन डेवलपर कंपनी है जो कि इंडियन गेम्स बनाती है। तो ऐसे में दोस्तों, ये आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उसको भी साकार करने वाला है। तो ऐसे में अक्षय कुमार ने अपने ट्वीट में भी ये संदेश दिया है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर ये भी एक बड़ा कदम रहने वाला है। साथ में दोस्तों, इस गेम की जो बड़ी अच्छी बात होने वाली है कि इस गेम से जो है एंटरटेनमेंट भी आपको मिलेगा, और साथ में जो है आप एक नेशनलिज्म का भी एक बहुत अच्छी मिसाल होगी ये गेम। तो ऐसे में दोस्तों, इस गेम की जो रेवेन्यू होगी उसका 20% जो हिस्सा है, जो कि डेवलपर कंपनी से लिया जाएगा 20% हिस्सा जो है भारत वीर फंड में जो है इंडियन आर्मी को दिया जाएगा। तो ऐसे में ये भी दोस्तों बहुत ही कमाल की बात मानी जाती है। लेकिन जब हम एक्चुअल गेम की बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो जैसे नाम लिया है इसको 4G, तो मतलब ऐसे लग रहा है कि पबजी इसका जो है ऑलमोस्ट सीक्वल की तरह ऐसे कुछ वो लाना चाह रहे हैं दोस्तों। ऐसे लगता है कि ये कुछ कॉपी सा है, मतलब पबजी और 4G, मतलब कुछ राइमिंग ऐसा कुछ निकाल दिया। और वैसे भी 4G जो वर्ड है वो मतलब इंडियन आर्मी जो है उनको 4G बोलते हैं, तो यस इसका लिंक वहां पर से भी होता है। लेकिन वैसे गेम की बात की तो मतलब जब रिलीज हो जाएगी तब हमें पता चली जाएगा कि कैसे इसके ग्राफिक्स होंगे, और पबजी को जब हम कंपेयर करेंगे तो उससे कितना बेहतर होगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि इंडियन गेम है, तो मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन और भी बढ़ जाएंगे कि ये कितनी अच्छी गेम रहने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये कब जो है रिलीज होगी। अब ऑलरेडी यहाँ पर जो है कमिंग सून का बैनर अक्षय कुमार ने लॉन्च कर दिया है, और साथ ही साथ जो है एनकोर गेम्स की तरफ से भी उनके अकाउंट पर भी उन्होंने जो है यहाँ पर विशाल गौड़ा जो कि उनकी CEO है, उन्होंने भी ये ट्वीट करके भी बताया है और इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट कर दिया है। तो ऐसे में दोस्तों 1-2 महीने और मुझे तो लगता है ये जाएंगे इसको रिलीज होने के लिए, लेकिन जैसी परिस्थिति है इसको देखते हुए तो लगता है कि बहुत जल्दी जो है ये गेम हमें देखने को मिल जाएंगी। तो बस दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप कितने एक्साइटेड है इस गेम के लिए, और अगर आएगी तो क्या पबजी को भूल कर जो है पूरा का पूरा 4G खेलेंगे, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएंगे। और अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस रोजाना लाता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लर्न स्मार्ट बी वाइज़।